नमस्कार छात्रों, आज हम मध्यकालीन अंतरिक्षा में द्वितीय सॉरी प्रथम वर्ष के द्वितीय भाग जो मध्यकालीन अंतरिक्षा है काव्य है। मध्यकालीन काव्य में से पहला काव्य जो है कबीरदास के दोहे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कबीरदास के दोहे, इसमें कबीरदास के परिचय करवा देंगे। संत काव्य धारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं शक्तिशाली निर्गुण मुक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में 1399 में हुआ है। यानी कि कबीरदास जी निर्गुण मुक्ति के निर्गुण मुक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसे कि सगुण भक्त और निर्गुण भक्त होते हैं। सगुण भक्त में यानी कि भगवान को मानने वाले, निर्गुण भक्त यानी कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, यानी कि उसका स्वरूप नहीं होता, वो समझते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, उसका कोई रूप नहीं होता है, उसकी पूजा पाठ कुछ नहीं होती है। सगुण भक्ति में क्या होती है, वहाँ पे जैसे कि राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, यानी कि उसका जो आकार होती है, उसकी पूजा पाठ होती है, इसे सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, निराकार भगवान को मानते हैं। इस तरह से निर्गुण मुक्ति शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी मानते हैं। इनका जन्म काशी में 1399 में इनका जन्म होता है। और इनका इनके जो माता पिता जो है पालन पोषण किए हुए जनाह दंपति, जैसे कि नीलू और नीमा, ये दोनों जुलाह दंपति ने इनके पालन पोषण किया है। और इसके कबीर अनपढ़ थे किंतु वे आत्मज्ञानी थे। रामानंद जी की शिक्षाओं से प्रभावित कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद का ही शिष्य मानते हैं। यानी कि रामानंद जी के कुछ शिक्षा, उनके शिक्षाओं से कुछ प्रभावित होने के नाते कुछ लोगों ने इनके गुरु श्री रामानंद जी मानते हैं। तो और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का मत है कि उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य मानते हैं। जैसे कि रामानंद उनके गुरु मानते हैं और कोई किसी का मत होता है कि शेख तकी उनके गुरु हैं। लेकिन कबीरदास जी अपने ही एक दोहे में कहा है कि कहूं कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक रे। यानी कि वे कहते हैं कहूं कबीर मैं सो गुरु पाया, यानी कि कबीर जो मैं कहता हूं कि मैंने सौ गुरुओं को पाया है, यानी कि वह उसका नाम क्या है, यानी कि उसका नाम है विवेक। विवेक यानी कि बुद्धि, वह बुद्धि ही मेरे गुरु है, इस तरह से कहते हैं। इसलिए कि कबीरदास जी किसी के शिष्य नहीं है, यह हमें स्पष्ट रूप से इस दोहे के जरिए हमें मालूम पड़ता है। और इसके आधार से कुछ लोगों का मत है कि कबीरदास जी की किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे। आपने हिंदू मुस्लिम एकता बौद्धिक एवं आत्मिक परिष्कार शुद्ध प्रेम सच्चाई सादगी आदि पर बल दिया। आपकी मृत्यु 1518 मगहर नामक स्थान में भी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अपने जीवन में हिंदू मुस्लिम को एकता माने हैं। और जैसे कि बौद्धिक लौकिक संसार को भी मानते हैं, आत्मिक परिष्कार प्रेम शुद्ध प्रेम अपनाते हैं। इस तरह से इनका जीवन है। और इनकी मृत्यु जो है मगहर नामक एक स्थान पर 1518 में इनका स्वर्गवास हुआ है। कबीरदास की रचनाएं जो है, कबीरदास की एक ही रचना मानी जाती है, वो है बीजक। ये बीजक जो है तीन रचनाओं को मिलाकर संकलित होते हुए एक रचना बनी है। जैसे कि साकी शब्द रमणी, साकी शब्द रमणी, इन तीनों
बातों को मिलाते विभक्त करते हुए मिलाते हुए सम्मिलित करते हुए बीजक नामक ग्रंथ का ग्रंथ बनाया गया है। कबीर की भाषा को प्रायः खिचड़ी भाषा सतगुड़ी भाषा कहा जाता है, यानी कि कबीरदास की जो वाणी है, वाणी के विदेता कहा जाता है कबीरदास को, तो इनकी जो वाणी है बहुत ही प्रखर वाणी इनकी है, इनकी भाषा खिचड़ी भाषा है और इनकी खिचड़ी भाषा या तो सतगुड़ी भाषा भी इनकी कही जाती है, यानी कि इनका जो वाणी है, इनकी जो दोहे व्याकरण में देखा जाए अगर उसे हमें देखने को मिलता है, वाणी बहुत ही प्रखर रूप से होते हैं इसलिए। और जैसे कि बहुत सारे भाषाएं मिलाते हुए लिखी हुई ऐसी नजर आते हैं, इसलिए उसे खिचड़ी भाषा या तो सतगुड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है, इनकी कोई शिक्षक नहीं है या तो इनके कोई गुरु भी नहीं है, इसलिए इनकी भाषा सतगुड़ी भाषा कहा गया है, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों को हम पाते हैं, यानी कि खिचड़ी भाषा, खिचड़ी यानी कि सम्मिलित भाषा, क्योंकि इसमें ब्रज है, अवधी है, राजस्थानी भाषा है, अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, यानी कि अनेक शब्दों को इनकी पदों में हमें देखने को मिलती है, इसलिए इनकी भाषा खिचड़ी भाषा है, तो सतगुड़ी भाषा कहा गया है। आप प्रमुख इनके जो प्रमुख शिष्य है वो है धर्मदास, इनके प्रमुख शिष्य है धर्मदास। यानी कि उनके गुरु जो है रामानंद जी,
बन जाती है, यानी कि इसका मतलब ये है हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द नींदर होते हैं। तो अगर हमारे आंगन में कुछ पड़ा है, कुछ गंदा हो चुका है, कुछ बचा पेड़ के पत्ते पड़े हुए हैं, तो वह हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं, देखो इन्होंने अपना आंगन अच्छे तरह से नहीं रखा है, इन्होंने अपना आंगन को अच्छा नहीं रखा है, इन्होंने अपने घर को अच्छे तरह से नहीं सजाया है, यानी कि आपस में बोलने लगते हैं, तो वह हमारी नींदा करने लगते हैं। अगर वह नींदा को अगर हम सुनते हैं तो तब हमें ज्ञान होती है कि हाँ मुझे क्या करनी है, अपने घर को साफ सुथरा रखना है, सुंदर रखना है, अपने जो कुटिया के अपने जो घर के सामने होने वाला जो आंगन है उसे साफ सुथरा रखना है। इस तरह से हम सोचते हैं और उसका साफ सफाई करते हैं, यानी कि ये जो साफ सफाई है उसको कोई पानी नहीं चाहिए, या तो किसी ने आकर हमें साफ नहीं दिया या पानी नहीं दिया, फिर भी हमारा आंगन और कुटिया दोनों पूरी तरह से निर्मल हो गए, स्वच्छ हो गए हैं। इनके इसी तरह अगर मनुष्य अपने भावनाओं मनुष्य की क्या करता है, उसे आगे बढ़ने के लिए भी उसके इर्द गिर्द इस तरह निंदा करने वाले लोग होने चाहिए, तभी हम अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। यानी कि अगर आज हम पीयूसी पास होने वाले हैं, पीयूसी हमें पास करके आगे जाना है, लेकिन मुझे पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे इधर उधर जाना अच्छा लगता है, सिनेमा देखना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, सीरियल देखना अच्छा लगता है, तो इस तरह से अच्छा लगता है क्योंकि सिनेमा देखोगे या तो टीवी देखोगे सीरियल देखोगे तो आजू बाजू पड़ोस में होने वाले लोग क्या करते हैं, देखो कहती है महारानी कॉलेज जा रही है लेकिन पढ़ती कुछ नहीं है, हमेशा क्या करती है टीवी के सामने नजर आती है या तो सिनेमा देखती है। इस तरह से अगर वो बोलेंगे तो हमारे मन अपने आप सचेत हो जाता है, तो हम सोचने लगते हैं देखो ये जो लोग बातें कर रहे हैं इन लोगों के मुंह को हमें बंद करना है, बंद करना है, क्योंकि क्या करते हैं पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते हमें एक दिन ऐसा बन जाते हैं जैसे कि द्वितीय पीयूसी को रैंक में पास हो जाते हैं, प्रथम रैंक में हमें हम पास हो जाते हैं, तो जो नींदा करने वाले लोग जो थे वो लोग अपने आप अपना मुंह बंद रखते हैं। यानी कि इस तरह से हमारे जो जाने वाले रास्ता जो होती है अगर वो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर ऐसे रास्ता छोड़कर अगर हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं कह के हमें सचेत करने वाले हमारे गिर्द गिर्द होने वाले जो लोग होते हैं वो ही हमारा 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 हमें सचेत कर देते हैं, वो ही हमें सचेत करते हैं कि तुम सरल रास्ते से नहीं बल्कि इस दूसरे रास्ते से जा रहे हो। यानी कि इस तरह से निंदा करने वाले जो लोग होते हैं उसे बुरा नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे अपने साथ में रखना चाहिए, वो हमारे पास होने चाहिए, तभी हम अपने रास्ते में सचेत रास्ते में या तो सरल रास्ते में न्याय के रास्ते में जा सकते हैं, और वो भी इस आंगन कुटिया के उदाहरण देते हुए और उसको धोने के लिए पानी और साबुन का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी ने हमें सचेत किया है। इस तरह से कबीरदास जी शरीर की नश्वरता के बारे में कहा है और हमें सचेत रहने के लिए सरल रास्ते में